आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर इंग्लिश। इसका करना है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो सब बच्चे क्या है, फिल द ब्लैंक्स। ये कुछ फिल द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमने फिल करने हैं। पहले हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर हमने फिल करनी है, ठीक है। जैसे इसका यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस, ओके। तो पहले इसका ए पार्ट है, कहते हैं -8 के साथ क्या प्लस करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। आप मुझे बताओ क्या प्लस करेंगे, अगर इसको -8 के साथ -7 प्लस करेंगे या +7 करेंगे तो क्या आएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या करें, -8 के साथ क्या करेंगे, +8, यानी कैसे आएगा, -8 + 8 क्या आएगा, = 0, ठीक है ना। ऐसे निकलेगा ये पार्ट इसका, तो क्या आ गया यहाँ पे +8, ठीक है ना। अब है इसका बी पार्ट, 13 + -0। कहते हैं 13 के साथ हम क्या प्लस करेंगे कि इन दोनों को मिला के आंसर क्या आएगा, 0। मेरे को लगता है -13। देखो कैसे, 13 + -, तो क्या है, = 0। थर्ड में सारे निकाले 0, तो क्या आएगा यहाँ पे, -13। इसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन देखो आप बच्चे, सी पार्ट इसका, 12 + 12 है ना, -12, इन दोनों को क्या आएगा रिजल्ट, देखो किसके बराबर होते हैं, 12 + -12। मेरे हिसाब से 12 + -12 क्या आएगा, 12 - 12 = 0। यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे तीन पार्ट्स हो गए। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, पार्ट नंबर डी। देखो -4 + क्या करेंगे कि -12 आएगा। कहते हैं -4 के साथ हम क्या करेंगे प्लस कि -12 आएगा। देखो क्या करेंगे, -4 मेरे हिसाब से प्लस क्या करेंगे कि हमें आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। -4 आई थिंक इट्स -8 है, कैसे, -4 + -8, तो -- क्या होता है, 12, क्या आ गया, 12। यहाँ क्या करेंगे, -8, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -8, ठीक है। ये हो गया आपका अगला पोर्शन। फिर हो गया आपका ई पार्ट, ई पार्ट में है -15 = -10। हम -15 के साथ क्या ऐड करेंगे या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो -10 आया जाना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से माइनस इसको करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, -15 - 10 मेरे हिसाब से यहाँ आएगा +5, क्योंकि देखो 15 - 5 = -10, क्योंकि बड़े का साइन यहाँ माइनस है तो क्या रहेगा, -10, तो क्या आएगा, 5, ठीक है। ऐसे ये आपका दीपा, तो ये इसकी सॉल्यूशन, तो ऐसे ही आपने फिर लगाइज कर लें, ओके।